कोरोना से स्वस्थ होने के बाद लोगों को सांस लेने, थकान व हृदय संबंधित समस्याएं देखने को मिली है, लेकिन अब कई ऐसे मरीज भी सामने आए हैं जिनको वायरस के प्रभाव के कारण पेट दर्द, आंत और लीवर में गंभीर समस्याएं हो रही है। इनमें से कुछ की कोरोना रिपोर्ट एक महीने बाद भी पॉजिटिव आई है। डॉक्टरों का कहना है कि शरीर में मौजूद डेड वायरस के कारण ऐसा हो रहा है। द्वारका के आकाश अस्पताल में पिछले 3 सप्ताह से ऐसे 20 से अधिक मरीज भर्ती हो चुके हैं जिन्हें कोरोना से ठीक होने के बाद आंतों में अल्सर, लगातार दस्त, लीवर से जुड़ी परेशानियां, अग्नाशय में समस्या और अन्य पेट संबंधी विकार पाए गए हैं। इनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं। अस्पताल के गैस्ट्रोलॉजी विभाग के डॉक्टर शरद मल्होत्रा ने बताते हुए कहा कि उनके यहाँ पिछले कुछ दिनों से लीवर व आंतों की समस्या वाले कई मरीज इलाज के लिए आए हैं। यह सभी कोरोना से संक्रमित हुए थे। इससे पता चलता है कि कोरोना फेफड़ों और हृदय के अलावा अन्य भागों को भी प्रभावित करता है। जो मरीज भर्ती हुए हैं उनमें बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल है। इन्हें आंतों में अल्सर हो गया है जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं एम्स के एक डॉक्टर ने बताया कि कोरोना से ठीक होने के बाद कई मरीज अस्पताल आ रहे हैं जो दूसरे अस्पतालों में भर्ती थे और लक्षण न होने पर इन्हें वहां से छुट्टी दे दी गई थी, लेकिन अब एक महीने बाद तक भी रोगियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। इनमें से कुछ को सांस लेने की गंभीर समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। जांच की तो पता चला कि इनके शरीर में डेड वायरस है, लेकिन इसके बावजूद इनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।